नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गुलमोहर में। गुलमोहर यानी बिल्डिंग फाउंडेशन एंड क्रिएटिंग इकोसिस्टम। आज हम अपनी कॉमिक सीरीज़ को अब फिर आगे बढ़ाएंगे, इस बार भी सिंपल से चार पन्ने की एक कॉमिक जो बच्चे खुद बनाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें इसमें चार पेज चाहिए, क्योंकि चार पन्ने ही हम ले रहे हैं। आगे जाकर हम जो है फर्दर उसको मुश्किल कर सकते हैं, थोड़े और पन्ने ले सकते हैं, थोड़ी और ड्राइंग ले सकते हैं, बट अभी के लिए चार पन्ने कागज़ के हम ले सकते हैं। अब पहली ड्राइंग देखिए कितनी सिंपल बनाई है मैंने। एक तितली है, फूल है और दो डायलॉग बॉक्स हैं। इतना हम घर में बना सकते हैं बच्चों के लिए इनिशियली, बाद में तो बच्चे खुद भी बनाने लग पड़ेंगे। और डायलॉग बॉक्स उनके दिए हैं, तो अब ये बच्चे पर डिपेंड करता है कि बच्चा क्या सोच रहा है। बच्चा लिख सकता है, वो सोच सकता है कि तितली और फूल आपस में बातें कर रहे होंगे, या वो ये भी सोच सकता है कि फूल अपने दिमाग में कुछ सोच रहा है और तितली अपने दिमाग में। अब बच्चे के अनुभव भी इसके अंदर आएंगे कि बच्चे ने अपने एक्सपीरियंस में कैसे चीज़ों को देखा है। उसने तितली को देखा होगा फूल पे मंडराते हुए, अब वो सोच सकता है कि तितली फूल से बातें कर रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बच्चे का बातचीत का जो एलिमेंट है उसको वो अपने इस कॉमिक में ला सकता है। या वो ये भी सोच सकता है कि फूल कुछ कह रहा है तितली से कि तुम रोज़ आती हो, कम आती हो। इस तरह बच्चे का बहुत सारा जो एक्सप्रेशन है वो इस छोटी सी चीज़ में आएगा, जो हमें बिल्कुल ज़रा सी लग रही है कि इसमें क्या ही भरना है, लेकिन बच्चे के लिए राइटिंग इंटरेस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा पन्ना लीजिए। दूसरे पन्ने में तितली ज़रा फूलों के करीब आ गई है। अब यहाँ पर डायलॉग बॉक्स सिर्फ मैंने तितली का बनाया है। जब बच्चों को ये कॉमिक्स देंगे या बच्चों के लिए आपने बनाई होगी और डायलॉग बॉक्स उन्हें करने हैं, तो अगर बच्चा कहता है कि सर तितली ही क्यों बोल रही है, इसमें भी फूल बोलेगा, तो उसे रोकिएगा नहीं। अगर वो कहता है कि इसमें भी फूल बोलेगा, तो उसको डायलॉग बॉक्स बनाने दीजिए। यहीं से तो वो शुरुआत कर रहा है जहाँ वो खुद से चीज़ें सोच रहा है। अगर यहाँ पर आपने उसे बांध दिया और कहा कि नहीं, एक डायलॉग बॉक्स बना है, तुम्हें इसी में लिखना है, तो फिर जो इसका पर्पस है इस राइटिंग एक्टिविटी का, वो कहीं ना कहीं रह जाएगा, तो इसका ध्यान रखिए। अब तीसरा पन्ना है, बिल्कुल इसमें भी इजी सी ड्राइंग बताई है। तितली है जो थोड़ी दूर चली गई है और एक नया एलिमेंट आ गया है, चूहा। अब तीनों के डायलॉग बॉक्स बने हैं। बच्चा यहाँ भी अपने से कहानी सोच रहा है और इसमें भर रहा है, लेकिन हो सकता है वो आपको बोले कि चूहा आया है तो अकेला क्यों आया है, हो सकता है उसके साथी भी आ सकते हैं और वो आपसे ज़िद करे कि इसमें मुझे दो चूहे और बनाने हैं। तो यहाँ पर भी आपको उसको इनकॉर्पोरेट करना, यानी कि उसकी बात को शामिल करना है और उसे कहना है कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि उसके साथी भी आए होंगे तो साथी भी बना लो और उसके आधार पर उनका डायलॉग बॉक्स भी बना लो। यहाँ आप देख रहे होंगे कि कहानी लगातार बिल्ड हो रही है और बच्चा उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स डाल रहा है। अगर बच्चा कोई एलिमेंट नहीं डाल रहा और सीधा इसी के अंदर चल रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि बच्चे को थोड़ा और इस तरह की गतिविधियां कराने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने एलिमेंट्स डालना शुरू कर दे। अब ये चौथा पन्ना है, इसमें बिल्ली भी आ गई है, चूहे का मुंह उस तरफ कर दिया गया है। अब बच्चा अपने हिसाब से ये डायलॉग बॉक्स बनाएगा, भरेगा इसके अंदर। और जैसा कि मैंने बताया कि ये चार पन्ने की लगती तो बड़ी आसान है, लेकिन इसमें एलिमेंट बहुत सारे हैं। आपको यही देखना है कि बच्चा अगर सिर्फ डायलॉग बॉक्स भर भर देगा और उसमें ये एलिमेंट नहीं आएगा कि मैं इसमें कुछ ऐड करूं, तो कहीं ना कहीं हमें और बच्चे के साथ राइटिंग की एक्टिविटी पे काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह जब हम उसको ढेरों ढेर अनुभव देंगे इस तरह के कॉमिक स्ट्रिप्स के, तो यकीनन बच्चा राइटिंग में इंटरेस्ट लेगा। उसकी राइटिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे नहीं जाना है, उसके क्रिएटिविटी को पहले आने देना है, ग्रामेटिकली फिर वो चीज़ें खुद ठीक हो जाती हैं। अब देखिए ये चार पन्ने हैं और इन चार पन्नों से बच्चा एक पूरी कहानी बुन रहा है, लिख रहा है, और वो उस दिशा में बढ़ रहा है जहाँ पे उसके अंदर ये सोच डिवेलप हो सकता है कि सिर्फ उससे ये प्रश्न ना किया जाए कि भाई तुमने बड़े होके क्या बनना है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या यही सब बनना है। हो सकता है कि उसको इसमें से ही इंटरेस्ट आए और वो खुद ही उसका मन करे कि नहीं, मैं तो बड़े होके राइटर बनना चाहता हूँ। तो इन सब बच्चों की जो चीज़ें हैं उनको आपने इम्पॉर्टेंस देनी है, उनको शामिल करना है, और यहीं से बच्चे के बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जुड़ते हैं। तो इस तरह की कॉमिक्स हम घर में बच्चों के लिए
आसानी से बना सकते हैं। पहले खुद बनाएं, डायलॉग बॉक्स सिर्फ रखें और बच्चा करेगा, लेकिन जब आप उसके साथ लगातार इन सब चीज़ों पे काम करते जाएंगे तो वो खुद ही ड्राइंग भी बनाने लग पड़ेगा, खुद ही डायलॉग बॉक्स भी लेके आएगा और खुद अपनी कॉमिक स्ट्रिप्स बनाएगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है पहला जरिया आपको बनना है, उसका गाइड, उसकी मेंटरशिप करनी है। और ये सिर्फ पेरेंट्स नहीं, घर में जो भी बड़े हैं वो बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कॉमिक का छोटा सा आइडिया भी आपके काम आएगा। ये तो आप खुद बना सकते हैं, पर फिर भी अगर इसका पीडीएफ लिंक आपको चाहिए होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। आप वहाँ से इस कॉमिक को एज सच डाउनलोड भी कर सकते हैं, पर यकीन मानिए आप इससे अच्छा खुद ही बना लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।